जापान का मूल मिशन लॉन्च 6 माह बाद लैंडिंग। विदेश में भारतीयों का दान प्रॉपर्टी और शेयर निवेश महत्वपूर्ण तत्व था। अब समाचार खेल जगह से भारत पाक मुकाबले में 3 बिग फाइटर जोड़ियों को मिले दिखा। 8 साल बाद IPL में वापसी के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया के स्टार। धन्यवाद। सुप्रभात, आप सभी को प्रस्तुत है सवाल सर की ओर से आज का सब जो किस प्रकार है उत्तर बिल्कुल सही है। मेरा अगला प्रश्न नील बिरिवरीय सदन के लिए होगा। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब मेरा अगला प्रश्न शिवालिक वरीय सदन के लिए होगा। नए सांसद भवन की स्थापना कब हुई? जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मेरा अगला प्रश्न उदयगिरी वरीय सदन के लिए होगा। आदित्य एल1 को कब भेजा गया? जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मेरा सबसे पास आगे है डिजिटल पेमेंट में कौन सा देश सबसे आगे है? जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मेरा अगला प्रश्न नीलगिरी वरीय सदन के लिए होगा। ICC के सभी टाइटल जीतने वाले प्रथम देश कौन है? जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। शिवालिक वरीय सदन के लिए होगा। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम क्या है? जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सीवी रमन। मेरा अगला प्रश्न उदयगिरी सदन के लिए होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 21 जून। मेरा अगला प्रश्न अरावली छात्राओं के लिए होगा। भारत में कुल कितने IIT कॉलेज हैं? भारत में कुल कितने IIT कॉलेज हैं? इसका सही जवाब होगा 23। मेरा अगला प्रश्न नीलगिरी छात्राओं के लिए होगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा एंथोलॉजी। मेरा अगला प्रश्न निवालिक छात्राओं के लिए होगा। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर साउंड की गति कितनी बढ़ जाती है? इसका सही जवाब होगा 0.61 मीटर पर सेकेंड। मेरा अगला प्रश्न उदयगिरी छात्राओं के लिए होगा। थर्माइट वेल्डिंग का आविष्कार किसने किया था?
थर्माइट वेल्डिंग का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर चार्ल्स कार्वे। मेरा अगला प्रश्न सभी सदनों के लिए होगा, इस साल हो रहे क्रिकेट 50 ओवर के क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी कौन देश कर रहा? जी आपका बिल्कुल सही है, भारत।